और इस बीच एक बड़ी खबर, भारत चीन के बीच खत्म होगा तनाव, एलएसी पर जारी गतिरोध होगा दूर। इसके संकेत मिल रहे हैं अगले कुछ दिनों में तनाव वाले इलाकों से पीछे हट सकते हैं दोनों पक्ष, चरणबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट होगा, सीमा से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां पीछे हटेंगी। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चीन के इतिहास को देखते हुए भारत चाहता है कि चीन समझौतों पर अमल करे। चुशूल में 6 नवंबर को कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी और अब ये पॉजिटिव नतीजे सोर्सेस के हवाले से सामने आ रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर ताइवान से, और यह ऐसी खबर है जिसके बाद ड्रैगन और बौखला गया। ताइवान सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ताइवान में इस बार दीपावली मनाई जाएगी। ताइवान में दिवाली से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। ताइपे इंडिया म्यूजिक एंड कल्चर सेंटर का यह कार्यक्रम होगा, दिवाली का मेगा सेलिब्रेशन ताइवान में इस बार होगा। और इस बीच ड्रैगन की दादागिरी का एक और सबूत सामने आ गया है। ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। मालाबार में सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने पर धमकी मिली है। मालाबार में चीन की दादागिरी रोकने के लिए 4 देश एकजुट हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सैन्य अभ्यास लगातार चल रहा है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।